ये है एक बड़ी मीटिंग की खबर। राणा सफदर साबिक चेयरमैन यूसी 237 लाहौर ने ग्रीन टाउन में एक बड़ी कॉर्नर मीटिंग कर डाली जो जलसा में तब्दील हो गई। खवातीनों हजरात और राणा सफदर के काउंसलर्स और वाइस चेयरमैन चौधरी मोहम्मद सिद्दीक गुजर बड़ी तादाद में कारकुनों की टोलियों में तशरीफ लाए। काउंसलर अरशद भट्ट ने साथियों समेत भरपूर शिरकत की। अकलियती काउंसलर बाऊ इफ्तखार भी कारकुनों समेत तशरीफ लाए। कारकुनों की इतनी बड़ी तादाद में शिरकत इस बात का सबूत है कि ग्रीन टाउन में राणा मोहम्मद सफदर साबिक चेयरमैन से लोग बहुत प्यार करते हैं। कारकुनों ने कायदीन सेनेटर मुसद्दिक मलिक, MNA शाइस्ता परवेज मलिक, MNA वहीद आलम खान और टिकट होल्डर PP 167 मियां मोहम्मद सलीम का भरपूर इस्तकबाल किया। पंडाल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था, एक जानिब मर्द हजरात और दूसरी जानिब खवातीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से मैडम किश्वर बाजवा, गुजरावाला से आए टिकटॉक स्टार अब्दुल रहमान, साबिक चेयरमैन यूसी 237 राणा सफदर, मियां मोहम्मद सलीम, MNA परवेज मलिक, MNA वहीद आलम खान, MNA शाइस्ता परवेज मलिक ने भी खिताब किया। मुकर्ररीन ने कहा कि 13 दिसंबर मीनारे पाकिस्तान के साया तले अवाम का समंदर देखकर इमरान दुम दबाकर भाग जाएगा। होशरुबा महंगाई ने अवाम से जीने का हक छीन लिया है, अगर कुछ देर ये हुकूमत और रही तो पाकिस्तान को तबाह कर देगी। ये हुकूमत नाअहलों की हुकूमत है, इमरान भी नाअहल और उसके वजीर भी नाअहल हैं। ये यहूदी एजेंट पाकिस्तान को बर्बाद करने आए हैं, इनसे जान छुड़ाकर अवाम को खुशहाली देना हमारा नारा है। 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने की बजाय लोगों से घर की छत छीन ली और बेरोजगार कर दिया गया। शुरका में डॉक्टर आरिफ सिपरा, राणा आजम, राणा राशिद, राणा आबिद, खुर्शीद भट्ट, मलिक सरफराज आवान, शेख फुरकान, शेख नोमान, सोनू बाऊ, चौधरी आमिर जफर, अरशद जैदी, अशरफ खान, चौधरी बदर, रशीद भट्ट, खलील भट्ट, शेख आसिफ, राशिद भट्ट, आदिल सिद्दीकी, जुबैर मुजाहिद, रजा मुस्तफ़ा हाशमी, डॉक्टर एजाज, बाऊ इफ्तिखार, अतिया मुमताज, डॉक्टर रेहाना के अलावा 800 से ज़ायद ख़वातीनों हज़रात ने शिरकत की।